जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आईएएस स्टडी ट्रैक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार, अलंकार भाग दो। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अलंकार भाग एक पढ़ा था जिसमें हमने पांच अलंकार को लिया था और पांच अलंकार सभी ने बहुत देखा और सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट आए और सबको समझ में भी आया, सभी ने बताया कि हाँ सर समझ में आया और भी अलंकार लेके आए। तो ये क्या होगा, पार्ट टू होगा अलंकार का, ठीक है। तो ये पार्ट टू है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें छह अलंकारों का समावेश किया गया है और उसी ट्रिक उसी तरीका से मैं आपको अलंकार बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें तब आपको पूरे अलंकार भी समझ में आ जाएंगे और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है भाग एक वो भी देख लें, क्योंकि उससे भी आपको पांच अलंकार उसमें दिए वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं वीडियो कम लाइक करते हैं, क्यों करते हैं कि वीडियो देख लिया बस छोड़ दिया, आप लाइक किया करें, थोड़ा सा हमारा भी उत्साह वर्धन हो, ठीक है, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करें भ्रांतिमान अलंकार। आपको सबसे ज्यादा भ्रम होता है भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में, ठीक है। तो आज ये भ्रम जो है मिट जाएगा, क्योंकि हम भ्रांतिमान अलंकार की बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताने वाले हैं, वहीं संदेह अलंकार की भी, ठीक है। तो ट्रिक बताएं, तो ट्रिक में क्या होगा कि जो भ्रांतिमान अलंकार है, सबसे पहले हम आपको ट्रिक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद फिर इसके डिटेल में भी बताएंगे, है ना। तो इसमें शब्द आते हैं भ्रम, अगर किसी दोहे में जो भी आपको दोहा दिया जा रहा है जिसमें अलंकार पूछा है उसमें भ्रम शब्द आए तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांति शब्द आए, जानकर, मानकर, समझकर, जाति, मानी, ये शब्द अगर आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा 100%, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भ्रम, भ्रांति, जानकर, मानकर, समझकर, जाति, आती ये शब्द आते हैं तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है, इनको याद रखना है। अब हम देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है संदेह अलंकार, जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्या रहता है, संदेह रहता है, ठीक है, संदेह तो रहता ही है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में सबसे ज्यादा है। अब देखना कि इसमें शब्द आते हैं कि धौ, धौ, कई धो, की या फिर अथवा, इन शब्दों के माध्यम से जो भी दोहा बना होगा वो क्या होगा, संदेह अलंकार का होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो किधौ, धौ, कई धो, की या अथवा, ठीक है। और इसकी हम पीडीएफ लिंक में दे देंगे नीचे, है ना, लिंक, इसकी पीडीएफ लिंक जो है वो दे देंगे, ये छह अलंकार और पहले वाले पांच अलंकार दोनों की लिंक में एक ही में बना के आपको दे दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये चीज आपको समझ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम संदेह अलंकार पढ़ेंगे तो किधौ, धौ, कई धो, की या अथवा शब्द आएंगे, और भ्रांतिमान पढ़ेंगे तो भ्रम आएगा, भ्रांति, जानकर, मानकर, समझकर, जाति, मानी, ये शब्द आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संदेह और भ्रांतिमान क्लियर हो जाता है, ठीक है, अब तो कोई संदेह नहीं है, ना तो भ्रम होगा इसमें। अब देखें अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास की तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि ये किस शब्दालंकार की कोटि में आता है, जो अनुप्रास अलंकार है शब्दालंकार की कोटि में आता है। तो इसमें क्या होता है अनुप्रास अलंकार में, इसमें बार बार एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है, क्या होती है, अक्षर की, अक्षर मतलब वर्ण, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वा वा की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, ऐसे ही अनुप्रास अलंकार में भी एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बहुत सारे भेद भी हैं अनुप्रास अलंकार के, तो वो हम पढ़ाएंगे और पिछले भी वीडियो हमने डाले हैं बहुत सारे अलंकार के, उसमें भी हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन को अनुप्रास अलंकार को देखना है कि कैसा हो रहा है, तो ये चीज अपन को याद रखनी है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति इसमें अनुप्रास अलंकार में होता है, तो उससे दोहे में क्या हो जाता है, अलंकार हो जाता है अनुप्रास अलंकार, ये चीज यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ ये पहचान है इसकी। यमक अलंकार की बात करें तो एक ही शब्द बार बार आए, अब यहाँ पर क्या आ रहा था, एक ही वर्ण बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द जहां बार बार आए और क्या बोल रहे हैं कि इसका जो अर्थ है उनका अर्थ अलग अलग हो, तब कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अपने बार बहुत उदाहरण पड़ेगा और पड़ा होगा कनक 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 ने सोगुनी, है ना, तो कनक कनक का अर्थ अलग अलग आता है, एक कनक का सोना और एक कनक का धतूरा होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द आए तो यमक अलंकार वहां पर हो जाएगा, तो ये तो आपको बनते ही होगा यमक अलंकार। रूपक अलंकार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, कैसे कंफ्यूजन है,
तो एक तो इसमें क्या होता है रूपक अलंकार में, कि इसमें एक योजक चिन्ह आता है, लेकिन सब दोहों में योजक चिन्ह नहीं आता, वहां भी रूपक हो जाता है वो, ठीक है। तो इस पे हमें डिपेंड नहीं रहना कि योजक चिन्ह आएगा ही, या सब रूपक होंगे जिनमें योजक चिन्ह है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं रखना अपन को योजक चिन्ह पर, क्योंकि कुछ दोहे ऐसे होते हैं जिनमें योजक चिन्ह होता है तब भी रूपक अलंकार नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रूपक नहीं योजक चिन्ह नहीं होता तब भी रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इस पर हमें क्या नहीं रहना, योजक चिन्ह पर डिपेंड नहीं रहना। हमें क्या देखना है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय क्या क्या होता है, उपमेय होता है कि जैसे कोई वस्तु है और उसकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसी अन्य वस्तु से, तो हम जो वस्तु है उसको उपमेय कहेंगे और जिस वस्तु से तुलना कर रहा है उसको उपमान कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम अभी अच्छे से बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो हमें जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए और वो भी कैसे, निषेध रहित, निषेध रहित, उसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज भी इसकी एक पहचान है, क्योंकि जो अपनहूति अलंकार नीचे हम पढ़ेंगे, सैम रूपक अलंकार और अपनहूति अलंकार की परिभाषा सैम है, लेकिन कहाँ बदलती है, निषेध रहित और निषेध सहित में, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यहां पर क्या होता है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाए, मतलब किसी भी चीज को क्या कर दिया जाता है, जबरदस्ती थोप दिया जाता है। कैसे कैसे थोप दिया जाता है, मैंने कहा या कृष्ण का आपने वो सुना होगा, एक सूरदास जी का एक काव्य है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब वो चंद्र की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद्र को क्या बोल रहे हैं, खिलौना बोल रहे हैं, मतलब चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है यहाँ पर, कितने परसेंट, 100% मान लिया गया है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, मतलब इसका है कि अगर किसी वस्तु को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाए, वो है नहीं लेकिन थोप दिया गया कि नहीं वो तो वो ही है, ठीक है, ये तो चंद्र जो है वो खिलौना है, इस प्रकार से ये रूपक अलंकार हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अपनहूति की बात करें तो इसमें भी सेम परिभाषा है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहां अपनहूति होता है और यहाँ रूपक होता है, लेकिन इसमें एक ही अंतर है कि यहाँ निषेध रहित होता है और यहाँ पर निषेध सहित होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अभी, तो वो और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है अपनहूति और रूपक अलंकार में। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन देखें। विस्तृत वर्णन सबसे पहले हम क्या देखें, भ्रांतिमान अलंकार का। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा है कि जहां किसी वस्तु को देखकर विशेष समानता के कारण उसमें क्या, विशेष समानता के कारण उसमें क्या हो रहा है, किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो रहा है, यहाँ पर भ्रम भ्रम हो रहा है, वही भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, इसमें हमने दूसरी पढ़ लिया कि भ्रम, भ्रांति, जान, समझ कर, मान कर, ये शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। लेकिन अब जो इसकी परिभाषा बोल रही है उसके अनुसार भी थोड़ा सा हम समझ लें कि हमें क्या हो रहा है, कि भ्रम कैसा हो रहा है, पक्का हो रहा है, 100% हो रहा है कि जान श्याम को घन श्याम नाच उठे बन मोर, है ना। तो क्या हो रहा है कि यहां पर जो है भ्रम पक्का हो रहा है, संदेह में क्या होता है कि भ्रम बना रहता है कि ए है कि ए है ना, भ्रम बना रहता है, लेकिन यहां पर भ्रम क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है कि श्याम को घन श्याम मान ही लिया कि नहीं वो तो घन श्याम है ही, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, घन श्याम है ही, तो यहाँ भ्रम पक्का हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार में। और ये शब्द तो है ही आपको पहचानने के लिए, तो ये शब्द भी याद रखें, और यहाँ पर पक्का भी हो गया है कि श्याम को घन श्याम यहाँ पर क्या वो मान लिया गया है। लेकिन अब देखें हम संदेह अलंकार, संदेह में क्या होता है, देखो जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति बनी रहे, अंत तक संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन भ्रांतिमान में हम क्या पढ़ा कि वहां पर संशय की स्थिति नहीं बनी रहती, वहां पर मान लिया जाता है, भ्रम क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। लेकिन यहां पर भ्रम पक्का नहीं हो रहा, यहाँ संशय की वस्तु संशय जो है लास्ट तक बना हुआ है ना, निश्चित ना हो, निश्चित नहीं हो रहा है, और वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें हमने शब्द पढ़े थे कि धौ धौ, कैधो, की किया अथवा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब ब्रह है या शब्द यहाँ पर आ रहा है, और या हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ भी आ रहा है कि ब्रह है या अखंड संयोग, साप है या है वरदान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज को समझ नहीं पा रहा है कि ये है कि ये है, ठीक है। ऐसे ही हमने तुमने उदाहरण बहुत पढ़ा होगा, नारी बीच सारी है कि सारी, तो वहां पर क्या है, संदेह बना रहता है।
इकाई में, संदेह और भ्रांति मार अलंकार में। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये संदेह और भ्रांतिमान में आप गलती नहीं करेंगे, और ये आपके सामने ये शब्द तो है कि या अथवा आदि शब्द आए तो हो जाएगा संदेह, भ्रम, भ्रांतिमान, जानकर समझकर आदि शब्द आए तो भ्रांतिमान अलंकार होगा, ठीक है। ये सब तो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखें अनुप्रास अलंकार की विस्तृत पढ़ें कि जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। बार 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 हो रही है। अब हम बार बार इसकी पहचान करें कि बार बार एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर अक्षर की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि रघुपति राघव और राजाराम पतित के पावन सीताराम, यहाँ पर ये रा शब्द आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर में कर दिया गया कि इस शब्द की क्या हो रही है, इस अक्षर की, सॉरी अक्षर की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। बार बार आवृत्ति हो रही तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, लेकिन इसको समझना बस एक बार है। अब देखें हम का यमक अलंकार, यमक अलंकार की बात करें तो इसकी जो परिभाषा है कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो तथा उस शब्द का हर बार अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अर्थ भिन्न होना चाहिए। शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ भिन्न हो रहा है। एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अर्थ क्या हो, अलग हो। यहां पर जैसे दिया है काली घटा, यहां पर घटा कैसी है, काली है, लेकिन यहां पर जो दिया है कि घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो घटा मतलब घटना और यहाँ पर काली घटा है। शब्द देखो एक से लेके हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग प्रयोग हुआ है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने पढ़ा, बहुत पढ़ा है कि कनक कनक ने सोगुनी, तो वो भी हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है, कोई उदाहरण आता है तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यमक अलंकार में ज्यादा परेशानी होने वाली है नहीं आपको। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है रूपक अलंकार में। अब कैसे होती है, एक तो इसमें योजक चिन्ह की बात करते हैं कई लोग, तो योजक चिन्ह पे हमें डिपेंड नहीं होना है क्योंकि योजक चिन्ह तो किसी में भी हो सकता है, रूपक में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज है। लेकिन हमें क्या रखना है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वो भी कैसा, निषेध रहित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करी कि मुख क्या है, चंद्र है, तो यहाँ पर जो मुख है वो क्या है, उपमेय, और जो चंद्र है वो उपमान है। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि मुख जो है वो क्या है, उपमेय, और चंद्र से अगर तुलना की जा रही है इसकी, या चंद्र जो है उपमान है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर समान नहीं बोला कि मुख चंद्र सा समान है, अगर यहाँ पर सा लग जाता तो कौन सा अलंकार हो जाता, कौन सा हो जाता, उपमा हो जाता। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि सा समान सादृश आदि जो शब्द आते हैं तो वो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, कौन सा हो जाता है, उपमा हो जाता है, ठीक है। मानहु जानहु आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बात करें रूपक की कि मुख चंद्र है, तो यहाँ पर ये बात थोप दी गई है कि मुख चंद्र है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है, वो कैसा है, 100% चंद्र है, ठीक है, ये बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है रूपक में, मेन चीज इसमें यही है, योजक चिन्ह के उसमें हमें नहीं पढ़ना है, तो मुख चंद्र है। लेकिन ऐसे ही अपनहूति की बात करें तो अपनहूति भी सेम, इसकी परिभाषा सेम है, सेम है परिभाषा, लेकिन इसका उदाहरण अलग अलग है। बात करें अपनहूति की तो इसमें होता है क्या है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहां कौन सा अपनहूति होता है, लेकिन कैसा, निषेध रहित होना चाहिए, निषेध सहित होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करें, हमने उसमें पढ़ा था क्या, रूपक में कि मुख चंद्र है, हमने इस मुख और चंद्र इतना पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, यह मुख नहीं क्या है, चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है, तो यहाँ पर नहीं की बात हो रही, मतलब निषेध सहित हो गया, तो ये अपनहूति अलंकार की क्या हो जाएगी, ये उदाहरण हो जाएगी। तो रूपक और अपनहूति अलंकार में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ भी धोपा जा रहा है वहां भी, लेकिन यही पहचान इसकी कि ये निषेध सहित है, वो निषेध रहित है, ठीक है। तो ये छह अलंकार आपको याद हो गए, एक बार और देख लें वीडियो, एक बार का दो बार देख लें, और ये जो उत्तर प्रश्न दिए हमने, इनका उत्तर भी आपको कमेंट के माध्यम से बताना ही है, क्योंकि अब आपको अलंकार बनने लगा है, आपने पढ़ा है, अलंकार बन जाएगा आपसे। यहाँ पर दिया है कि सजना, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, इसमें अलंकार आपको बताना है। नेक्स्ट दिया है तरुणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, अब यहाँ पर भी आपको अलंकार बताना है इस उदाहरण में।
अब एक बात है कि अलंकार संप्रदाय की ये हमने नहीं बताया, लेकिन आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये कमेंट के माध्यम से बताना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, इस प्रकार से ये संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है, तो ये अलंकार संप्रदाय भी आपको बताना है। जहां किसी वस्तु को देखने पर संशय की स्थिति बनी रहे, निश्चित ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वो भी आपको बताना है। और एक चीज भी और बता दे कि निश्चित हो जाए तो वहां कौन सा होता है, निश्चित ना हो तो वहां कौन सा होता है, ये चीज भी आप बता दें। चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंधो हरिराई, है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अलंकार है, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे कि कौन सा है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और इतने सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आपको क्या देना है, उत्तर देना है, कमेंट के माध्यम से देना है। ये वीडियो कैसा लगा तो आपको कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका पार्ट फर्स्ट भी देख लें, वो भी बहुत अच्छा है, और आपको अलंकार कभी नहीं भूल सकते। इस प्रकार से हम थोड़ी सी सरल जो है करके इसको पढ़ें, और अलंकार में और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतनी पहचान करनी है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।